क्या आप अपने शेयर गिरने से परेशान हैं? तो आप आज बिल्कुल सही जगह पर आ गए हैं, क्योंकि किस्मत ही किस्मत को यहाँ पर मिलाती है। तो यहाँ पर किस्मत से आप मेरे वीडियो पर चले आए और मेरी किस्मत की मैं आपको यहाँ पर बता पा रहा हूँ। तो अपनी अपनी यहाँ पर किस्मत है और हम दोनों की किस्मत मिली है तो कुछ अच्छा होगा। आज मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ क्रैश प्रूफ स्टॉक्स की, यानी कि क्रैश रेसिस्टेंस स्टॉक्स की। 2022 के लिए तीन ऐसे शेयर खरीदे जिनमें क्रैश का प्रभाव काफ़ी कम रहेगा और आपका पोर्टफोलियो यहां पर बचा रहेगा। और 2022 में यही तीन, आपको तीन चीज़ जानने की ज़रूरत है शेयर मार्केट में। ऑल यू नीड टू नो दीज थ्री स्टॉक्स जो आज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो नमस्कार, मैं अंकित, शुरू करते हैं मार्केट मैस्टर फिलोसॉफी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। आपने इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहां पर मैंने 10 ऐसे शेयर की लिस्ट यहां पर बताई है अपने रिसर्च के बाद, जिसमें मैंने 25 सालों से ज्यादा का डाटा निकाल कर रिसर्च किया है और 10 स्टॉक्स निकाले हैं जिनका नाम मैंने दिया है टॉप 10 स्टॉक्स प्रॉस्पेरिटी जनरेटर। तो जाकर इंस्टाग्राम में देखिए, इंस्टाग्राम की लिंक मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए तीन ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो क्रैश प्रूफ है या क्रैश रेसिस्टेंस है। तो चलिए मैं पहले सेक्टर बताऊंगा, फिर उन सेक्टर से आपको तीन तीन स्टॉक बता दूंगा। तो देखिए वीडियो कमाल का हो गया, 9-10 स्टॉक्स हो गए ऐसे में। तीन सेक्टर बताता हूँ और 9-10 स्टॉक्स आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, 9-10 शेयर आपके लिए सोचिए, और उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आएगा। तो जो सबसे पहला है वो है अपना हेल्थ केयर सेक्टर। देखिए हेल्थ सेक्टर जो होती है ना, चाहे कितना बड़ा भी रिसेशन आ जाए, लेकिन जो हिस्ट्री, वॉट एवर मैं आपको बता रहा हूँ वो डाटा से बता रहा हूँ, हिस्ट्री हमें यह बताती है कि कितना बड़ा भी रिसेशन आए, लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा जहाँ पर स्पेंडिंग होती है, मोस्ट स्पेंडिंग होती है रिसेशन में, वो है हेल्थ केयर सेक्टर। और कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ जिनमें आप अच्छे पैसा बना सकते हैं अगर आगे जाकर यहाँ पर क्रैश आता है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जब मार्केट अभी बढ़ा है तो ये बढ़े नहीं है पिछले एक साल से, तो उम्मीद है रोटेशन देखने को मिलेगा, तो आप इन्हें अभी एक्यूमुलेट करके बेटर टाइम पर रख सकते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि शायद कुछ साल पहले, 5-7 साल पहले अजंता फार्मा में मैंने काफ़ी पैसा बनाया था, और वो इसी वजह से बनाया था क्योंकि कुछ ऐसा केस हो गया था बॉन्ड का जिसके वजह से मार्केट काफ़ी नीचे आ गया था, उस समय मैं यहाँ पर बच गया था, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आपके लिए। तो कुछ अच्छे स्टॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं, अजंता फार्मा हालांकि काफ़ी ऊपर है, एस्ट्राजेनिका फार्मा हो गया, GLS हो गया, अच्छे आप लेकर रख सकते हैं। देखिए ये सब आपको पैसे बनाने के लिए नहीं रखना है, आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए रखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, इन्वेस्टर्स का कई बार ऐसे होता है कि इंडेक्स कम गिरता है लेकिन हमारा पोर्टफोलियो ज़्यादा गिर जाता है, तो उस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा पुश देने के लिए ऊपर की तरफ इंडेक्स से मैच कराने के लिए हम ऐसे कुछ शेयर लेकर रखते हैं जो कम गिरे, ताकि हमें स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। दूसरा हम बोलते हैं US में कंज्यूमर स्टेपल्स। अब देखिए ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है लव्ड बाई एवरीवन, मतलब जिन्हें सब कोई पसंद करते हैं, मतलब घर से निकले तो वो ये जगह तो जाएंगे, मतलब 5 में से अगर प्लान बनाया है कि आज मतलब सैटरडे संडे रिसेशन में भी निकल के हमको $100 स्पेंड करना है, $100 ही मान लीजिए स्पेंड करना है, तो वो पक्का ये जगह जाते हैं। जैसे कि बहुत ही USA का स्टॉक आपको मैं बताता हूँ, जैसे PepsiCo हो गया, जैसे Procter & Gamble हो गया, तो ये जगह स्पेंडिंग हो ही जाती है एवरी वीकेंड हर एक नागरिक की। और भारतीय शेयर बाजार में अगर हम बात करें, जहाँ पर हो ही जाती है, हफ्ता में आप भी अगर घर से निकलेंगे ना तो एक बार इनके प्रोडक्ट ले लेंगे। जैसे मैं आपको इंडिया का शेयर मार्केट के शेयर बताता हूँ, जैसे PGHH हो गया, हमने लिया काफ़ी अच्छा 40-50% का रिटर्न बना दिया अभी तक। इसके साथ कोलगेट हो गया जैसे, इस और HUL हो गया जैसे, ये चले नहीं है क्योंकि इन पर दबाव है, क्योंकि महंगाई यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है, प्रॉफिट और रेवेन्यू कम हो रहा है, लेकिन जैसे ही समय बदलेगा, रिसेशन आएगा, महंगाई को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे, हमें ऐसा लगता है हमें चेंज देखने को मिलेगा और लोग थोड़ा डिफेंसिव के तरफ भी यहाँ पर जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें रहती है, बाकी फंडामेंटल में कोई दिक्कत नहीं है। तो तीन स्टॉक्स मैंने आपको हेल्थ केयर सेक्टर पहला का बता दिया, तीन स्टॉक मैंने आपको कंज्यूमर स्टेपल्स का बता दिया, अब चलिए अगले के तरफ आगे चलते।
सबसे जरूरी चीज टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस जरूर ले। देखिए टर्म इंश्योरेंस वो होता है जहां पर पॉलिसी होल्डर को अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हो जाता है तो उसकी फैमिली और जो नॉमिनीज रहती है उसको एक लमसम मॉनिटरी बेनिफिट देखने को मिल जाता है, एक इकट्ठा पैसा देखने को यहां पर मिल जाता है। देखिए लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी अनसर्टेनिटीज हो सकती है और ऐसे चीजों के लिए आपके पास टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार आपको यहां पर बताता हूं जिससे कि आपकी फैमिली और आपके जो बच्चे हैं वो यहां पर सुरक्षित रह सके और उनको एक प्रकार से कुशन मिल जाए। हमेशा मैं बोलता हूँ टर्म इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस के साथ साथ आप यहाँ पर राइडर ज़रूर ले। अलग अलग प्रकार के राइडर्स होते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर हो गया, क्रिटिकल इलनेस यहाँ पर हो गया, अगर आपका कुछ एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर तो आपको एडिशनल कवरेज देखने को मिल गया। क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर हो गया, इनकम बेनिफिट राइडर हो गया, डिसेबिलिटी राइडर हो गया, इस प्रकार आप यहां पर देखने को मिल सकता है। पॉलिसीज़ को आप अच्छे से देखिए, कंपेयर करें और जो आपके लिए वाइस हो वो आप यहां पर ले, जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, आपकी फैमिली को बेनिफिट मिल सके, यही मैं कहना चाहूँगा। कितना बाय करना है तो आप अपने एनुअल सैलरी का 20 टाइम्स बाय करें। अगर आपकी एनुअल सैलरी 5 लाख है तो आप 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस ले, इतना आपके लिए ज़रूरी है। जो आप एक थम रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे खरीदें, तो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहां पर जाकर आप अलग अलग पॉलिसीज़ को कंपेयर कर सकते हैं और खरीद सकते हैं अपने लिए बेस्ट टर्म इंश्योरेंस लो प्रीमियम, सबसे लो प्रीमियम में। यहां पर आपको लो प्रीमियम में हाई सम एश्योर देखने को मिल सकता है। यहां पर आपको यहां पर 1 करोड़ तक का प्रीमियम 490 रुपए प्रति माह में देखने को मिल सकता है। इसके साथ 5.5% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। 24/7 क्लेम असिस्टेंस है, इंश्योरर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पॉलिसी बाजार क्योंकि एक ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ पर प्रीमियम कम रहता है अगर आप कंपेयर करोगे बैंक और बाकी एजेंट से, तो ये सारी बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है। राइडर ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि मैंने आपको बताया है, एक्सीडेंटल कवर हो गया है मैंने जैसे आपको समझाया, और ATC के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट भी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो बिल्कुल मिस ना करें, नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पॉलिसी बाजार जाइए और अलग अलग यहाँ पर पॉलिसीज़ को कंपेयर करें और अपने लिए जो बेस्ट सूट करता है उसमें जाकर यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। तीसरा सेक्टर जिस पे आपको फोकस करने की बहुत ही खासा ज़रूरत है वो है यूटिलिटी। अब ये यूटिलिटी क्या आप पूछेंगे, तो भाई यूटिलिटी हो गया मतलब अपना हो गया गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे शेयर खोजिए गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी। अब आप सोच के देखिए कि आप गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह सकते क्या? अरे दुनिया में कितना बड़ा भी मंदी आ जाए, कितना बड़ा भी रिसेशन आ जाए, 1920 रिपीट हो जाए, 1929 क्रैश रिपीट हो जाए, 1984 क्रैश रिपीट हो जाए, 2000 रिपीट हो जाए, 2020 रिपीट हो जाए, तो 2009 रिपीट हो जाए, लेकिन आपको गैस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पानी के बिना कोई जी नहीं सकता, तो पानी वाली कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल काम नहीं हो सकता, वो काफ़ी ज़रूरी है। जहाँ दुनिया, बड़े ध्यान से सुनिए, जहाँ दुनिया ध्यान लगा रही है ना जी, जहाँ दुनिया ध्यान लगा रही है ना टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, वहाँ पे मैं ध्यान लगा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी में। अब भाई जितने भी डिवाइसेज आते हैं, आप इन्वेस्ट करते होंगे टेक्नोलॉजी कंपनी में, जितने भी डिवाइसेज आते हैं सबको चार्ज करने के लिए क्या लगता है? इलेक्ट्रिसिटी। बिना चार्जर के कुछ चीज़ चलता है? अब जहाँ पर सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, अरे वो लैपटॉप लाया, वो ये लाया, वो फला प्रोडक्ट लाया, उसमें जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पर मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ और पिछले 2 साल से बता रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रिसिटी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पावर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बिकॉज जो हमारे नए टेक्नोलॉजी और जो फ्यूचर है, इट ऑल रिक्वायर्स मोर पावर, मोर एनर्जी एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो तीसरा चीज़ इज यूटिलिटी जो आपको बचाएंगे। यूटिलिटी में कुछ एग्जांपल, मेरा फेवरेट पावर ग्रिड, और दूसरा आप जा सकते हैं पेट्रोनेट के तरफ में। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने बताए हैं जो डाटा के बाद मैंने बताया, रिसर्च के बाद मैंने बताया कि दे आर वेरी क्रैश रेजिस्टेंस, मतलब इनमें काफ़ी फ्रिक्शन है, रेजिस्ट करते हैं और के क्रैश प्रूफ, और ये आपके पोर्टफोलियो को अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और सारी जो बातें आप मुझसे जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलूंगा अगले वीडियो के साथ में।